नेक्स्ट औषधि का नोबेल पुरस्कार। अमेरिका के तीन वैज्ञानिकों, अमेरिका के ही तीन साइंटिस्ट हैं, जेफरी सी हाल, माइकल रोसबास तथा माइकल डब्ल्यू यंग को मानव शरीर की आंतरिक जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक पर विषय मानव शरीर की आंतरिक जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक विषय पर किए गए उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए इस साल के चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। बायोलॉजिकल क्लॉक को सर्कैडियन रिदम के नाम से जाना जाता है, नोबेल असेंबली ने कहा है। उनकी खोजों में इस बात की व्याख्या की गई है कि पौधे, जानवर और इंसान किस प्रकार अपनी आंतरिक जैविक घड़ी के अनुरूप खुद को ढालते हैं तथा वे ताकि वे धरती की परिक्रमा के अनुसार अपने को ढाल सके। असेंबली ने कहा कि हाल 72, रोसबा 73 और यंग 58 बायोलॉजिकल क्लॉक का पता लगाने और इसके आंतरिक कामकाज को स्पष्ट करने में सफल रहे हैं। ये तीन जो साइंटिस्ट हैं, जेफरी सी हाल, माइकल रोसबास और माइकल डब्ल्यू को मेडिकल का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2017 में। 2017 का मेडिकल का नोबेल प्राइज तीनों साइंटिस्ट को दिया गया है, जेफरी सी हाल, माइकल रोसबास एंड माइकल डब्ल्यू यंग को दिया गया है। यह जैविक घड़ी हार्मोन के स्तर, नींद, शरीर के तापमान और मेटाबॉलिज्म जैसे जैविक कार्यों को प्रभावित करती है। तीनों वैज्ञानिकों ने उस जीन को अलग करने का काम किया जो रोजमर्रा की जैविक स्थिति को नियंत्रित करते हैं। नोबेल टीम ने कहा, इन्होंने दिखाया कि ये जीन उस प्रोटीन को परिवर्तित करने का काम करते हैं जो रात के समय कोशिका में जम जाती है और फिर दिन के समय बहुत ही अचूक आकार ले लेती है। ये तीनों वैज्ञानिक करीब $11 लाख की पुरस्कार राशि साझा करेंगे। ये जो तीनों साइंटिस्ट हैं, हॉल, रोसबास और यंग जो हैं, ये तीनों $11 लाख की जो प्राइज अमाउंट है इनको तीनों में बांटा जाएगा।